हेलो बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट वन ज्योग्राफी पेपर टू एशिया रीजनल स्टडी में पढ़ेंगे एशिया नेचुरल वेजिटेशन यानी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। एशिया की प्राकृतिक वनस्पति को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो वन झाड़ियों और वृक्षों की वन भूमि हो गई, दूसरे घास के मैदान हो गए और तीसरे मरुभूमि की शुष्क झाड़ियां। प्राकृतिक वनस्पति का मूल आधार वन है और एशिया महाद्वीप के 26% भाग पर वन विस्तृत है। चौड़ी पत्ती वाले वन कठोर लकड़ी के भंडार होते हैं जो कि एशिया में काफी अच्छी मात्रा में। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में कोणधारी वन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम वनों पर आए। प्राकृतिक वनस्पति में वनों का काफी महत्व होता है। वनों के द्वारा अनेक कच्चे माल प्राप्त होते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की आकृति, आकार, प्रकार, रंग, रूप, सघन विरलता आदि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले जलवायु, मिट्टी और धरातल के विभिन्न दशाओं पर आधारित होते हैं। वन तीन तरह के होते हैं, कोणधारी वन, पतझड़ वन और सदाबहार वन। और पूरे इस महाद्वीप में 5,554 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है जो कि अभी मैंने बताया कि टोटल 26% भाग पर पाया जाता है। और विश्व में कुल वनों का लगभग 13% जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब हम वनों में पांच तरह के वन मिलेंगे। पहला है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन या इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आप देखेंगे। और दूसरा है उष्ण मानसून वन या ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट। तीसरा है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन या टेम्परेट मानसूनी फॉरेस्ट। चौथा है कोणधारी वन या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। पांचवा है भूमध्य सागरी झाड़ी वन या मेडिटेरेनियन बुश फॉरेस्ट। अब इन जो ये जो पांच तरह के वन हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, आप देखिए इसका क्षेत्र श्रीलंका से लेकर आपको मलेशिया, ये इंडोनेशिया, बोर्नियो द्वीप, ये सिंगापुर, फिलीपींस, ये पूरे क्षेत्र में टिमोर, इन क्षेत्रों में ये पाए गए हैं। ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहेंगे और इसमें रबर, ताड़, बांस, बेत, सिंकोना, रोजवुड मिलते हैं। अब यातायात के साधनों की कमी और जीवन की निश्चितता के अभाव की वजह से इनका बहुत ज्यादा आर्थिक प्रयोग नहीं हो पाया, लेकिन आज भी रबड़ का ये मुख्य केंद्र है। और इसके अलावा फर्नीचर, कृषि यंत्र, रेल डिब्बे सभी में इनका प्रयोग होता है। तो और रबड़ और नारियल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आर्थिक रूप से इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पाई जाती हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, ये आप देखिए पूरा भारत से लेकर हिंद चीन के सारे देश हैं, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारे जो हैं पाकिस्तान तक, पूरे पाकिस्तान तक ये चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि पर्णपाती वन मिलेंगे, सदाबहार मानसूनी वन मिलेंगे और ये अलग अलग लेयर में, जैसे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है तो वहां पर क्या मिलेगा, सिंकोना, महोगनी, रबड़, बांस, नारियल। और 100 से 200 मीटर वाला जो है इसमें मिलेगा सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, फरास, इमली। फिर 50 से 100 सेंटीमीटर वाला है वहां मिलेगा खेजड़ा, बबूल आदि। और 50 से कम वाला है वहां बबू, बेर, खजूर, टेंटी, इस तरह की चीजें। और 50 सेंटीमीटर से भी कम वाले मिलेंगे। तो मूलतः जो है आम, जामुन, आंवला, इस तरह के फल भी मिलेंगे और कड़ी कठोर लकड़ी वाले भी वन मिलेंगे। तो ये आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जो वन इनको कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं तीसरे शीतोष्ण मानसून पतझड़ वन। आप देखेंगे चाइना का पूर्वी तट, दोनों कोरिया, जापान, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने जो ढाल है, ढालों पर चाय और कॉफी भी उगाया है। इसके अलावा बबूल, मैपल, कपूर, लारेंग, तुंग, शहतूत, शहतूत की बहुत ज्यादा इधर ये होती है। और शहतूत से इन लोगों ने, आप जानते हैं कि प्राचीन सिल्क रूट जो चलता था वो चीन होते, भारत होते, यूरोप तक जाता था। तो रेशमी वस्त्रों का एक बहुत बड़ा जो रिसोर्स है ये शहतूत यहाँ पर है। इसके बाद आते हैं आप कोणधारी वन।
कोणधारी वन नॉर्थ में ऊपर की ओर जाएंगे। आपको मालूम है कि बर्फ से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए नुकीले और पत्तियां नुकीले होती हैं और डालियां चिकनी मोटी होती हैं इनकी, और मुलायम लकड़ियों के भंडार मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि फर, स्प्रूस, लार्च, चेड़, हेमलॉक, सेडार, और कागज, लुगदी, दिया सलाई, इस तरह के व्यवसाय के लिए ये वन बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आ जाएंगे भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन जो है ये आपको इजराइल से लेकर उसके आसपास जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस, टर्की, इन क्षेत्रों में, ये मूलतः साइट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है, जैसे नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, जैतून, अखरोट, काट, लॉरेल, तो जैतून का तेल, और अंगूर, किशमिश, मुनक्का, इस तरह की काफी ज्यादा इकोनॉमिकली काफी कॉस्टली और हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन वनों से पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम घास के मैदान में। घास के मैदान में आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय भागों में कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से लेकर ये शीतोष्ण घास के मैदान आपको जो दिख रहे हैं ये कैस्पियन के इस भाग से हैं, और इसमें ये चलते हुए आप देखें ये चले जाते हैं, आपको कुछ इसमें नहीं दिखाया गया है, मंगोलिया और मंचूरिया तक जाएंगे। यहाँ के लोग खाना बदोश जीवन जीते हैं, और जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरह के जो क्षेत्र हैं मध्य एशिया के क्षेत्र, यहाँ के लोग हैं, और यहाँ के मुख्य ये लोग भेड़, बकरी, घोड़े, गाय, बैल ये पालते हैं और इनकी जीवन इस पर निर्भर करती है। इसके बाद हम लोग आते हैं मरुस्थली वनस्पति में। मरुस्थली वनस्पति आप देखेंगे तो तीन तरह की है, उष्ण मरुस्थली वनस्पति, शीतोष्ण मरुस्थली वनस्पति और शीत मरुस्थली वनस्पति। तो उष्ण मरुस्थली वनस्पति है जिसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन भी कहते हैं, ये एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं पूरा मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से पश्चिम का पूरा क्षेत्र ये इसमें आता है। यह नमी और वर्षा का अभाव, उच्च तापमान और शुष्क मौसम के कारण यहाँ कटीली झाड़ियां, बबूल, सूखी घास, खजूर वगैरह मिलेगा। शीतोष्ण जो है टेम्परेट डेजर्ट वेजिटेशन ये एशिया के मध्य भागों में पाया जाएगा। शीतोष्ण इसमें मंगोलिया, तिब्बत, ये मंगोलिया, तिब्बत और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, और तुर्किस्तान के पठारी भाग, मंगोलिया का गोबी संसार का प्रमुख शीतोष्ण मरुस्थल है। वर्षा की कमी होती है, यहाँ कटीली झाड़ियां होती हैं और ये काफी अविकसित क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद है शीत मरुस्थली वनस्पति या ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन सबसे अंतिम। ये आप देखिए बिल्कुल ऊपर साइबेरिया के क्षेत्रों में आपको मिलेगा, काफी निम्न तापमान, ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में उगने वाले रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों को छोड़कर यहाँ काई और लाइकेन यही वनस्पति पाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।